बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, 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 बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। सब देवत बुलबुल सोंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, सब देवते फुल भर गाउंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। सब देवते फुल भर सोंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, सब देवत फुल भर सोंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। सब देवत फुल वर सोंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, सब देवत फुल भर सोंदे बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे, बाबा नंद सिंह जी तेरी जय होवे। हर कोई चाहुंदा है कि मेरी वड़ियाई होवे, दुनिया ते मेरी जय जयकार होवे, हर कोई मेरी इज्जत करे, कई तरह करके अपनी शोभा कराउण दा यतन बंदा करदा है, कोई माया नाल, कोई होर तरीका वरत के ते शोभा हो भी जांदी है कई बारी, पर ये जिहड़ी माया दी सोभा है ये बहुते समय वास्ते नहीं हुंदी, जिवें साहिब बचन करदे हन कि माया की सोभा चार दिहाड़े, थोड़े समय वास्ते बल्ले बल्ले हो जांदी है, ते जदों माया खत्म ते सोभा भी खत्म। वड्डे वड्डे राजे महाराजे खप्पी खां कहाउण वाले, पर अज कोई उन्हां दा नाम नहीं जानदा, जिवें भगत कबीर जी नूं सारा संसार जानदा है, पर जे कोई पूछे बई जदों भगत कबीर जी होए हन उदों दा राजा कौन सी, राजे दा की नाम है, कोई जानदा है कोई नहीं जानदा। ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं अज सारा संसार पूजदा है। चांदनी चौंक गुरुद्वारा आसीसगंज साहिब अज लखां दुनिया सिर चकाउंदी है, लखां करोड़ां रुपईआं दा चढ़ावा चढ़दा है, लखां मत्था टेकदे हन, लखां उहनां दे नां ते खा रहे हन, किसे गल दी कोई घाट नहीं है। ते दूजे पासे उस समें दा बादशाह औरंगजेब, जिसने अपनी सत्ता दे जोर नाल
गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं शहीद करवाया, पर अज उस दी कबर ते जाके देखो तां ओह वीरान पई है। उत्थे बैठा चौकीदार दीवा जगाउण लई तेल वास्ते लोकां तों पैसे मंग रिहा है। हुण सोचो कि माया दी सोभा किन्ने समें वास्ते सी, किन्ने समें वास्ते उहदा जोर सी संसार दे उत्ते, ते नाम जपण वालियां दी सोभा ओह जुग जुग हो रही है। साहिब आखदे ने इस जुग में सोभा नाम की, बिन नामे सोभ न होए। ते आख्या तू नाम जप महापुरुष धारना पढ़दे ने तेरी भी सोभा संसार ते होवेगी। तेरी जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, यार जी कर ले कमाई नाम दी, प्यार जी कर ले कमाई नाम दी, प्यार जी कर ले कमाई नाम दी, प्यार जी कर ले कमाई नाम दी, जुग जुग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी, तेरी जोग जोग सोभा होवे कर ले कमाई नाम दी। चाहुंदा तां हर कोई है भी मेरी वड्याई होवे, पर कोई वड्याई वाला काम करे तां वड्याई होवे, पर जो सचमुच नाम दे रसीए हन जिन्हां नूं नाम दा आनंद आया है वो अपनी वड्याई करा के खुश ही नहीं होंदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पता दुनिया तो लुक के रहिंदे, दुनिया दी उहनां नूं लोड़ ही नहीं, दुनिया की वडियाइयां अग्गी सेती जाल, उन्होंने तो दुनिया की वडियाइयां नूं अग विच सुट के साड़ दिता है। सत संगत बोलो श्री वाहिगुरु जी। नानक सर कलीरां दा बूटा बाबा आनंद सिंह जी ने लाया, ते अज इस दियां साखां सारे संसार विच फैल चुकियां, अज लखां करोड़ां इस बूटे दे फल नूं खा रहे हन, क्योंकि हुक्म है जो एक मन एक चित आराध दे मेरी जिंदड़िए, तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। आज बाबा जी दे नाम ते अनेकां खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछिया है, उन्होंने जपिया है, पर इच्छा रख के नहीं जपिया निर इच्छत। साहब आखदे ने काहूं फल की इच्छा नहीं बाची, उन्हां दी ए इच्छा कि असी बूटा लाइए, बूटे दी सेवा करिए, पर इस दा फल
असी नहीं खाना, इस दा फल दुनिया दे काम आवे। सासन बोलो श्री वाहिगुरु जी। पर कई ऐसे भी हुंदे हन जो सेवा भगती तां करदे हन पर अंदर अपनी वड्याई दी भुख है कि साडी कोई वड्याई करे। तां इंज जाणो भी उन्हां ने बूटा लाया जरूर, बूटा सेवा बूटे दी जरूर कीती पर उस दे फल दुनिया दे काम नहीं आए, क्योंकि उस बूटे दे फल उन्होंने आप ही खा ले। किवें? अपनी वड्याई करा के। वो किसे दे काम नहीं आए, उन्हां दी वड्याई थोड़े समय वास्ते ही सीमित रह जाती है, पर जो विरले महापुरुष बाबा नंद सिंह जी वर्गे ताहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग रचै, केवल भगती केवल बंदगी कीर्ते विच ही जुड़े हन। बाबा नंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा की पूर्ण विश्वास दे नाल। सेवा असी करते हाँ, नाम असी भी जपते हाँ, पर अंदर विश्वास नहीं, पता नहीं काम होएगा कि नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते पढ़ते हैं कि प्रगट गुरां की दे, पर अंदर विश्वास नहीं। मन की अवस्था है कि पता नहीं गुरु ग्रंथ साहिब प्रतख हन भी या नहीं। पर जिन्ना चिर पूर्ण विश्वास नहीं होवेगा, साहब आखदे ने उतना समा कुछ भी प्राप्त नहीं होवेगा। जां तिदे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान ते मन प्रगटाया। ते जिस दे भी अंदर विश्वास होवे उसे नूं ही तत् भाव उसे समय ही ज्ञान हो जाएगा। तत् दा भाव है तत्काल, उसे समय। पर किन्हां नूं? कबीर जी आखदे ने जां का दिल साबत नहीं। धरती विच कोई दाणा बीजिए जी, वह साबत ना होवे, वह दाने दे टोटे हो जान, कदे भी वह सफल नहीं होवे। वह बीजिया नहीं जा सकता, बीजिया जाएगा तो वह फलेगा नहीं, क्योंकि वह दरड़िया गया है। इसी तरह जिसका दिल दरड़िया गया, दिल टुट गया, दो चिती विच हो गया, उसका जपया भी फलीभूत नहीं होवेगा। सत बोलो श्री वाहिगुरु जी। दिल का साबत होना भी जरूरी है। जां का दिल साबत नहीं तां को कहां खदा है। गुरु ते विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, उन्हों खुदा दे दर्शन किवें हो जाने, वो खुदा दे दर ते प्रवान किवें हो जाए। इस विश्वास ते श्रद्धा दे नाल बाबा नंद सिंह जी ने अपना जीवन गुरु ग्रंथ साहिब दे लिखे ला दिया। उन्होंने अपना जीवन गुरु ग्रंथ साहिब दे लेखे लाया। अज एवें तां नहीं सारे संसार विच उन्हां दी पूजा हो रही। आओ पढ़ लो एक बारी। जिंद लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं जग पूजदा। जिंद लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं जग पूजदा। जिंद लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं जग पूजदा। जिंद लाई सी प्यारे जी, एवें नहीं जग पूजदा। 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 जिंद लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं जग पूजदा। जिंद लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं जग पूजदा। लाई सी गुरां दे लेखे, एवें नहीं
जग पूजदा। ते फिर साहब दा वचन है, जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा। आज इसी करके बाबा नंद सिंह जी दी जय जयकार हो रही है। बाबा नंद सिंह जी ने पुचो वाले बाबा महरनाम सिंह जी तो बख्शिश प्राप्त की थी। उन्हां दे हुकम नाल नाम जपिया, सेवा की थी पूरे 12 साल। ते जदों सेवा पूरी हुई तां पुचो वाले बाबा जी ने पुछिया, रिखी जी कुछ मंगो। एक दो बार तां बेनती की थी जी कुछ नहीं चाहिदा, पर जदों पुचो वाले बाबा जी ने आख्या, रिखी जी साडा तीजा बचन है खाली ना जावे। तां सोचिया के बचन ना मनना ए भी बेअदबी है। बेनती की थी जे तुठे हो तां एक कृपा करो कि इस संसार दे विच सुई दे नके जिन्ना भी मोह ना हो, सुई दे नके जिन्नी भी मेर ना होवे, सुई दे नके जिन्नी भी ऐसी थां ना होवे जिथे मेरा ना आवे। सत्संग बोलो श्री वाहेगुरु जी। तां पुछो वाले बाबा जी ने जफी विच लै लिया ते आख्या, रिखी जी जे तुसी ए कुछ मंगदे हो, नाम जप के कमाई करके फिर भी तुहाडे मन दी इच्छा है कि दुनिया विच साडी मेर ना होवे, तां फिर वही असी ए वर दिंदे हां। तुसी कहंदे हो कि संसार विच सुई दे नके जिनी भी मेर ना होवे, तां फिर असी वर दिंदे हां कि संसार ते सुई दे नके जिनी भी सी थां नहीं होवेगी जिथे तुहाडी जय जयकार ना होवे। साध संगत बोलो श्री वाहेगुरु जी। कि एवें तां कुछ प्राप्त नहीं हुंदा, जो त्याग करदे हन उहनां नूं ही कुछ प्राप्त हुंदा है, ते जो पकड़ करदे हन ओह खाली रह जांदे हन। जो मांगे सो भूखा रहे। जिहड़े बाबे बनने चाहुंदे सन ओह नहीं बन सके, ते जिन्हां ने आख्या असी नहीं बनना असी सेवादार ही रहना है, ते साध संगत दुनिया ते उन्हां दा नाम चमकिया, दुनिया ने उन्हां नूं बाबा मान लिया। साध संगत बोलो श्री वाहेगुरु जी। अज इसे करके बाबा नंद सिंह जी जय जयकार हो। ऐसे नाम जपण वाले महापुरुषां वास्ते ही वचन कीता है कि माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। जो सचमुच नाम जपण वाले हैं उन्हां बाबत ही साहब ने वचन कीता है कि उन्हां दी धूड़ी दे विच इशनान करो। धूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, धूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, धूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, धूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा। जरे जी संग कर साधुआं दा, प्यारे जी संग कर साधुआं दा, प्यारे जी संग कर साधुआं दा, प्यारे जी संग कर साधुआं दा। पूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, पूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, पूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, पूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा।
एक सरदार कर्नल पीएस सोंदी जो के फिरोजपुर जुंट विच मेजर दे तौर ते तैनात है। तरों तार आई के तेरे कर बेटी ने जन्म लिया है, इसलिए कुछ समय वास्ते कर आ। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, घर जान की तैयारी कर रहा सी। इसे यूनिट का एक कप्तान जलंधर आरजी ड्यूटी ते जा रहा सी। उसने आख्या भी लुधियाने तक मेरे नाल चल, तां ये फिरोजपुर तो लुधियाने वालों तुर पे। जदों जगराओं के नेड़े कुछ मील पहला लोकां दा बहुत वड्डा इकट्ठ देखिया, तां सोचिया कि इत्थे इतना इकट्ठ क्यों है। ड्राइवर ने दसिया कि इत्थे एक महान अते प्रसिद्ध महात्मा ने एक अनोखी किस्म की तपस्या की है, ते अज पूर्णमाशी का दिन है, ते ये वड्डी गिणती विच संगतां इत्थे पहुँच के सारी रात जागणगियां, कथा कीर्तन सरवण करनगियां। ते ड्राइवर ने दसिया कि वह पहला भी इस स्थान के दर्शन कर चुका है। इन्हें आख्या फिर सानू भी दर्शन करा। ड्राइवर जिस वेले इन्हों गुरद्वारा साहब के अंदर लै गया, गड्डी च उतरे, दर्शन मेला किया, ते जदों सचखंड भूरा साहब के दर्शनों की इच्छा प्रगट करके सचखंड के बाहर गए तो सेवादार ने रोकिया, आख्या पहला ये लगे नोटिस बोर्ड में पढ़ लिया जाए, क्योंकि सचखंड के दर्शनों की पेटा है, ये पेटा कोई माया की नहीं, अनोखी पेटा है, क्योंकि माया की तो बाबा जी ने इत्थे पेटा नहीं रखी, माया की मंग नहीं की जाती, माया का इत्थे चढ़ावा नहीं चढ़ता। साध संगत इहो तो फर्क है, इहो तो इत्थों की अनोखी मर्यादा है। महीने विच एक पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहब का करे जा करावे, जा पंजा पाठ सुखमनी साहब के महीने विच करे, जा मूल मंत्र नानक होसी पी सच तक 108 मणके दियां छे माला रोज दियां फेरे, ते जा फिर 80 माला वाहिगुरू वाहिगुरू दियां 108 मणके दियां करे। जे हिंदू भरा है तो वह 160 माला राम राम दियां 108 मणके दियां रोज फेरे, जे मुसलमान है तो 160 माला अल्लाह अल्लाह दियां करे। ये इतना जप तप करना पवेगा जिसने सचखंड श्री भूरा साहब के दर्शन करने होंगे। पर एक माघ का महीना है जिस विच सुबह अते शाम आने वाले नूं ये दर्शन फ्री कराए जाते हैं, वैसे नहीं। ये जो भी पाठ पूजा है ये साढ़े भले लिए है, गुरु नानक नाल जुड़न लिए है। जे माया की भेटा रखते तो कोई ना कोई 100-150 देख ही जाता, पर साधु का कर्म है नाम जपाउणा, साधु का कर्म नाम जपाउणा है, साधु का कर्म माया कठी करनी नहीं। नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा, नाम जपना ते नाम जपाउणा एहो कम साधुआं दा। हरि जी एहो कम साधुआं दा,
प्यारी जी एहो काम साधुआं दा सिंह जी ने आप स्वास स्वास नाम जपया अते जपाया इसे वास्ते ये सचखंड दे दर्शनां दी भेटा बाबा जी ने रखी है। पर इन्होंने ये देख के कि नाम जपना पवेगा ये साथों नहीं जपया जाना इसलिए असी दर्शन भी नहीं कर दे ता सेवादार दे मन विच पता नहीं की आई उस वेले उन्हें सोचा होगा भी चलो शायद फौजी अफसर हन नहीं नाम जाप सकते देश की सेवा करने वाले हन चलो दर्शन कर लैन क्योंकि बाबा जी भी फौजी सिंह ना बड़ा प्यार करते सन सेवादार दे मन विच मेर पई उन्हें आख्या भी दर्शन तुसी कर लो चलो कोई गल नहीं फौजी अफसर हो तुसी इन्हों ने श्री सचखंड साहब दे दर्शन कीते दर्शन करके मानो इंज जापदा है जिमें निरंकार आप हाजर नाजर बैठा हो साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु इंज लगता सी जिमें सच खंड वसै निरंकार वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे वसदा निरंकार जी विच सचखंड दे विच सचखंड दे सचखंड वसै निरंकार जिमें कि आम किसी भी गुरद्वारा साहब विखे जाओ जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब का 24 घंटिया 12-13 घंटे प्रकाश रहिंदा है उसनू गुरद्वारा कहिंदे हन ते जिथे 2-4 घंटे वास्ते सतगुरु बिराजदे हन उन्हूं सचखंड कहिंदे हन इसका की कारण इसका कारण है कि जो गुरद्वारा साहब है उत्थे संगत भी है ते बाणी भी है शरीर भी है ते बाणी भी है बाणी है सच ते शरीर है झूठ ते जिथे सतगुरु दा सुपासन कीता जांदा है उत्थे केवल ते केवल बाणी है ग्रंथी सिंह जांदा है सिर्फ अरदास करके बाहर आ जांदा है केवल सच है इसलिए उस नूं सचखंड कहिंदे हन जिवें हर इक गुरद्वारा साहिब नूं भावें सचखंड कह दिंदे हां पर जो खास सचखंड की महत्ता है वह है सचखंड श्री हजूर साहब
श्री हजूर साहब दे नाल सचखंड क्यों लगा? क्योंकि जिथे किते भी कदे भी नौ पातशाहियां तक गद्दी दिती गई तो वह शरीर नूं गद्दी दिती गई, पर जो सचखंड श्री हजूर साहब विखे गद्दी दिती गई उथे गद्दी दिती गई बाणी नूं, ते बाणी है सच, इसलिए सचखंड श्री हजूर साहब। इसलिए बाबा नंद सिंह जी ने भी ये सचखंड बनाया, ते आम किसी नूं अंदर जाण दी आग्या नहीं दिती, केवल एक दो सिंह जान जिन्हां ने सेवा करनी। नानक सर विच बहुत ही पवित्रता नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा कीती जांदी है। इस सचखंड वाले कमरे नूं बहुत ही सजा के अते बहुत ही सफाई रखी जांदी है। दर्शन करके इंजी जापदा जिवें निरंकार आप हाजर नाजर बैठा हो। अज इन्हां फौजी सिंघां ने सचखंड दे दर्शन कीते, बाद विच जो सामने भूरे बने हुए हन, बाबा नंद सिंह जी का तपस्या अस्थान है, उत्थे बाबा नंद सिंह जी दीयां कुछ निशानियां भी पईयां हन, बाबा जी का पवित्र जोड़ा भी पिया है। पीएस सोंदी ने बड़े ही प्यार ते श्रद्धा सत्कार नाल अपना सिर उन्हां जोड़ियां उपर रख दिता, जोड़ियां उपर रख के मत्था टेकिया, उसका मस्तक उन्हां जोड़ियां नाल छू गया, अते दर्शन मेला करन तो बाद लुधियाने नूं चले गए। कुछ दिनों के बाद पीएस सोंदी बीमार हो गया, हालत दिन ब दिन खराब होंदी गई। जदों इलाज का कोई फायदा ना होया तां परिवारक डाक्टर ने सलाह दित्ती कि इन्हां नूं जल्दी नाल मिलटरी हस्पताल विखे दाखिल करवा दिता जाए, तां परिवार ने मिलटरी हस्पताल विच जलंधर दाखिल करवा दिता, पर उत्थे जाके भी हालत विच सुधार नहीं होया, बल्कि हालत होर बिगड़ती गई, कौमा विच चला गया, बेहोश हो गया, बेहोशी की हालत विच पिया है। आखिर इस नूं एस आई अते डी आई सी लिस्ट विच शामिल कर लिया, डाक्टरां ने इसके ठीक होने की आस छड़ दित्ती। उस दिन अचानक इस नूं बेहोशी की हालत विच हैरानीजनक दृष्टांत नज़र आया। उस समय डाक्टर अते परिवार वाले इस दी मौत की उड़ीक कर रहे सन, पर इस नूं नज़र आया कि एक दरगाही हस्ती जिन्हां ने सफेद वस्त्र पाए हुए हन आकाश तो उतर के इस वल आ रही है, उस दे नुरानी चेहरे उपर अते इर्द गिर्द प्रकाश ही प्रकाश है। वो दरगाही हस्ती आकाश तो उतर के आ रही सी, तो आकाशवाणी हुई कि ये बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले हन, जिन्हां दे पवित्र जोड़ियां ते तू अपना सिर रख के नमस्कार कीती सी। इतने नूं बाबा जी पीएस सोंदी दे कोल आ गए, उन्हां दे मुखार बिंद चों अमृत दी धारा वग रही सी। उठो जी नाम जपो, बाबा जी ने अपने मुखार बिंद तों तीन वारी राम राम दा नाम उचारिया, तां इस दे बुलां विच वी हरकत आ गई अते इह वी राम दा पवित्र नाम जपण लग गया। तद ही देखिया कि बाबा नंद सिंह जी महाराज एक उच्चे टिले वल जा रहे हन, ते उत्थे बैठ गए ते फिर समाधि विच लीन हो गए। इन्हें नूं आकाश तो एक सुनहरी प्रकाश का छत्र उतरदा होया देखिया, जेड़ा उन्हां दे समाधि स्थान ते झूलण लग गया। ये जदों राम नाम जप रहा सी तद वो नर्स जो उस समय ड्यूटी उत्ते आई सी उन्हें डाक्टरां नूं बुला लिया। इसकी पत्नी भी हैरान हो रही सी, इसने अखां खोलियां, उन्हां नाल गल्लां करन लग गया। इस दे मूँह पवित्र राम नाम की आवाज सुन के इस हालत नूं देख के इस पौतक बारे सारे जानना चाहते सन कि यह किस तरह मौत दे मूँह बच गया है। तद इस दी पत्नी दौड़ के गई अते ओ उस बच्ची की जन्म पत्री जो कि इन्हां दे परिवारक पंडित ने बना के एक लफाफे विच बंद करके दिती, ते नाल उसने आख्या सी कि मैं इस परिवार का वरियां बद्धी लून खादा है, इसलिए भावें वह कुछ भी करन दे असमर्थ है, पर उसने सच्चाई नूं इस जन्म पत्री विच लिख दिता है। उसने कहा सी कि बच्ची दे जन्म तो 20 दिन बाद ये पत्री पढ़ी जाए, ते अज 21वां दिन ही सी। घरवाली बहुत चाकरत हो रही सी कि मैं जल्दी नाल अज जन्म पत्री भी पढ़ लवां ते मैनूं ठीक ठीक पता लग जावे कि ये माजरा की है। वह भज के गई, उस पत्री नूं चुक लियाई
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ ਬਈ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਗ ਕਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਗ ਕਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਧੂੜੀ 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 ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਗ ਕਰ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੋ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪੁੱਜੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਡਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਊਠਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਊਠਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਚੋ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਐਡਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਊਠਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸਨ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
तदे ता सानू तकीद कीती है। तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा। प्रभ इह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोहे दीजै कर संतन का चेहरा। सब किसी का मनोरथ अपना अपना, किसी का कोई मनोरथ है किसी का कोई है, पर साहब आखदे ने मैं भी एक मनोरथ लेके आया हाँ। केड़ा मनोरथ है तेरा? साहब आखदे ने मेरा ये मनोरथ है कि मैनू अपने दासां दा दास बना लो, अपने संतां दा चेहरा कर लो। प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोहे दीजै कर संतन का चेहरा। चेहरा नौकर क्योंकि मैनू बड़ा स्वाद आउंदा है जद मैं संतां दी सेवा करदा हां। भगवान रूप तार के नौकर आन रहे सेवा दी खातर, छोटा जिहा बालक बूहे अगे आन खड़ोता है, निमाणा ते मस्कीन जिहा वेख के बड़ा तरस आया। काका किवें खड़ोता है? आंदा मां जी नौकर रख लो। काका तू नौकरी करेगा? किड्डा सोल है, कितना मलूक है, किड्डा सुंदर है, किड्डा प्यारा है, कौन हन तेरे माता पिता जिन्हां ने तेनू नौकरी वास्ते मजबूर कीता है, जा केड़ी मजबूरी है जिस वास्ते तू नौकरी भालदा फिरदा है? तेरी माता किथे है? मेरी माता? हाँ बेटा तेरा पिता किथे है? मेरे माता पिता कोई नहीं, रब दा कौन मां प्यो होवे भई? मेरे माता पिता कोई नहीं, बड़ा दुख आया, अखां पार आईयां, बेचारा छोटी उम्र विच यतीम हो गया है, मां प्यो दा छाया सिर तों उठ गया है। बेटा तेरा होर कोई संबंधी रिश्तेदार? मां जी मेरी विथिया ना पुछो, तुसी बेनती मन लो, मैनू अपने घर विच नौकर रख लो। हां बेटा नौकर दी तां सानू लोड़ है, मैं ता रोज घर वाले नू आखदी हां भी कोई नौकर दा प्रबंध कर दियो, क्योंकि साडे घर आवाजाई बहुत है, संत जन आउंदे हन, उहनां दे प्रसाद पाणी दी सेवा, उहनां दे कपड़े धोणे, पाणी पखा पीस दास के कम बहुत है, मैं कल्ली हां, मैतों हुंदा नहीं। इस वास्ते असीं तां कई वारी ये सोच बैठे हां कि कोई चंगा जिहा कोई गरंटी होवे नौकर मिले। हुण तू आखना तेरा ना कोई अगे है ना पिछे है, तेरी कौन गरंटी देवेगा? लोड़ सानू है मां जी, तुसी मेरे ते इतबार करो, मेरे ते भरोसा करो। ऐसियां मनमोहणियां बातां कीतियां, मन मोलिया, आखन लगे इंज करो भाई दो दिन रख लो, जे मेरा काम पसंद आवे फिर रखी रखना, जे काम पसंद ना आवे तुहाडी मर्जी मुताबक ना होवे तां बेशक जवाब दे दो, क्योंकि मैं भी जिस घर दी नौकरी चाहुंदा हां ओह घर तुहाडा ही है। आम घरां विच मैं भी नौकरी नहीं करदा। आखण लगी चंगा फिर अंदर आ जा। मां जी कोई काम दिओ? काम दिता भी झाड़ू दे। लै के झाड़ू एडी सफाई कीती, कर लिशका दिता। वड्डी प्रसन्न होई देख के, काका तेरी उम्र तां छोटी है पर जापदा तां इंज है भई जिवें किसी ने तेनू खास इलम दित्ती होवे। ऐसी सफाई कोई नहीं कर सकदा जैसी तू कीती है, घर नूं किवें लिशका दिता है। मां जी मैनू होर कोई काम दिओ। पुत्तर तू थक गया होवेगा, हुण चटकू आराम कर लै। कहण लगा नहीं मां जी, आराम मैं नहीं करदा हुंदा। कैसा नौकर है? नौकर तां चाहुंदे ने वक्त मिले आराम करिए, थोड़ा काम कीता मुड़ छुट्टी कर ली। ये बड़ा अजीब है, शायद पहले दिन करके कि पहले दिन दा इतबार बनिया अगो सुख दिंदा है। काम दसी गई वह कीती गया, शामा पईआं जिस वेले घरवाला घर आया
आखन लगी स्वामी मैं नौकर रखे है चंगा कीता रखिया था जरा देख लो निगाह मार लो मैनू ता चंगा लगा है काम भी बड़ा सोना कीता सु तुसी भी एक बारी देख लो किथे है ओ पांडे मांज रहा है पांडे बैठा मांजदा जिस वेले निगाह गई ओ जो बालक पांडे मांज रहा सी जिस वेले देखिया ते फिर अखा ने पछाण लिया ते फिर कीती नमस्कार ते फिर घरवाली वल तकिया नौकर रखिया क्यों नहीं जचिया ते उधरों भगवान ने पांडे मांजदे ने इशारा कीता देखी मैं ते थू आप नू छुपाया नहीं मेरा पेट ना खोली मेरा पेट बनिया रहन मेरे ते पड़दा प्यार रहन दे रमजा दे जानू एक दूजे दे अच्छा नौकर है चंगा है पर जी एक बड़ी अचरज गल है तनखा नहीं दसदा आखदा मैं मंगदा नहीं हुंदा मैनू मंगदियां बड़ी लाज आउंदी है तनखा दा कोई फैसला नहीं करदा कपड़े दा भी कोई अंदाजा नहीं रोटी वो भी आखदा उतनी खा लवांगा जितनी तुसी दे दियो दो फुलके दियोगे दो खा लवांगा एक दियोगे एक खा लवांगा मैं फुलका भी होर नहीं मंगदा हुंदा स्वामी बड़ा अचंबा हुंदा मैनू ए यतीम बालक पर गुण इस विच बड़े हैं कम करदा एडी सफाई नाल गल करदा एडी सोहनी तरह दी कि मन मोह लैंदा गल मूह निकलन लगी त्रिलोचन दे पर फिर पांडे मांजदे ने कीता इशारा देखी ए पड़दा मेरा अपना पाया होया है लाही ना त्रिलोचन ने आख्या बहुत अच्छा प्रभु घरवाली ने आख्या चलो कोई गल नहीं जदों महीना पुगेगा कुछ ना कुछ दे देंगे रोटी दा वेला होया आ बेटा रोटी खा लै सारा दिन काम कीता है आ हुण रोटी खा के ते फिर जा आराम कर क्योंकि साढ़े घर तां संत जन आणगे रात दे पता नहीं फिर कितने वज जाण बड़ा प्रसन्न हो के वह बालक कहण लगा मां जी तुहाडे घर संत आणगे ते फिर इत्थे कीर्तन करनगे मेरे तां कन्न तरस गए हन मेरा भी जी करदा सुणन नूं दिओ जी छेती छेती रोटी खा लवां ते फिर मैं भी सुणांगा रोटी दित्ती जितनी दित्ती उतनी खा ली ना होर फुलका मंगिया ना सब्जी मंगी ते फिर जिस वेले सभा सज गई संत जन आए ज्ञान गोष्ठ हुई ते ए बालक सब तो पिछे बैठा कन ला के सुन रहा है नाले सुन रहा है नाले चूम रहा है नाले रो रहा है अगला दिन होया सब तो पहला उठिया अज तां दसण दी भी लोड़ ना पई जेड़े काम कल कीते सन अज आपे सारे कर दिते हुण कहिंदा मां जी जे आखो तां मैं आटा भी गुन लिया जे हुकम देवो तां रोटियां भी पका दिया हैरान हो गई सुन के सारे काम कर लैंदा आखे हां मां जी कोई ऐसा काम नहीं जो मैनू नहीं आउंदा मैं सारे कर लैंदा किसे काम नूं ला दिओ हो जाए मेरे ते कोई कृपा है उंज तां मैनू कोई चज नहीं कोई जाच नहीं पर मां जी कल तुहाडे घर संत आए सन ना मैनू तां मैं उहनां दी ज्ञान गोष्ठ सुनी मैनू इंज जापदा जिवें मेरे उत्ते इहनां संतां दी कृपा हो ते मैं जो कुछ भी हाँ ये कृपा दे सदके हाँ मां जी मैं जैसा घर चाहुंदा सां मैनू वैसा ही लब्भा मैं इस घर विच बड़ा प्रसन्न हाँ जिस वेले रोटी दा वेला होया लै पुत्र हुण तू रोटी खा लै सारे खा चुके हन दो फुलके दित्ते खा के उठ गया होर लै लै फुलका मां जी मैं मंगदा नहीं जे दे दिंदे खा लैंदा सोचिया भुखा रह गया बड़ा तरसाया अगले वक्त तीन फुलके रखे तीन खा के उठ गया सोचिया शायद अजे भी भुखा रह गया अगले वक्त चार फुलके रखे चार खा के उठ गया सोचिया किड्डा नेम दा पक्का है सारा दिन काम करदा है ते संगत दा वेला भी नहीं खजाउंदा इंज कन ला के पिया सुणदा है मानो सारी समझ इसे नूं पई आउंदी कदे कदे हैरान होवे भी कौन है एडी सूझ ते बूझ उम्र इन्नी छोटी उम्र वाला ते गुण इतने वड्डे ते एक होर बड़ी अचरज गल है कि घर वाले दे सामने नहीं हुंदा जिस वेले आउंदे ने ये पासे हो जांदा पता नहीं की गल है क्योंकि वो जानदे सन भाई जिस वेले आमो सामने होए नमस्कार होनी है मथे एक दूजे नूं टिकणे हन पता नहीं फिर किस वेले भेद खुल जाए इस वास्ते ओले होके रहिंदे सन घरवाली नूं
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੈਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਨਿੰਦਣ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢਣਾ ਕੋਲ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਫੁਲਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਤਨੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਂਦੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਰਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ। ਪਕਾਈ ਗਈ ਉਹ ਖਾਈ ਗਏ, ਪਕਾਈ ਗਈ ਖਾਈ ਗਏ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆਟਾ ਹੋਰ ਗੁੰਨ ਲਵਾਂ। ਹੋਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਆਖਰ ਥੱਕ ਗਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕਾ। ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭੈਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਂਢਣਾ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏਡਾ? ਆਖਿਆ ਬਸ ਆਈ, ਫੇਲੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਏਡਾ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਗਈ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਭਗਤ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਰਾ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਬਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖਿਸ ਗਿਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸਦੀ? ਆਖਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਪਦਾ, ਪਕਾਈ ਗਈ ਆ ਖਾਈ ਗਿਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕੇ ਨੌਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਨੌਕਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਖੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਆਣ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਏ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਲਾ, ਏਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਏਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਵਣ, ਆਏ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਜੂਠੇ ਮਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਝਾੜੂ ਦਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੂਪ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਏਡਾ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਰਤ ਸੁਕਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
संतां दी चरण तोड़ नूं तां रब भी लोचदा है। जिवें तुसी ए साखी सुनी है ते आपां फिर क्यों ना उन्हां महापुरशां दी तूड़ी दे विच इशनान करिए, जिन्हां दी तूड़ी विच इतनी शक्ति है कि साडियां तकदीरां बदल सकदे हन। तां संगत बोलो श्री वाहिगुरु। तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, तूड़ी कर इशनान संग कर साधुआं दा, नरसिंह जी महाराज के जीवन के उपर आप जी ने उन्हां दी उस्तत विच साखियां सुनिया किवें उन्हां दे चरण तोड़ दी शो प्राप्त करन नाल जीवन बदल गया। तो हुण भी अगली कैस्ट जो बाबा नरसिंह जी दे जीवन उपर किवें ओ गरीबां नाल प्यार करदे सन, ते फिर गरीब जिन्हां ते मेरा हुंदियां सन फिर ओ किवें पढ़दे सन, उस कैश दा टाइटल भी यही होवेगा, तैनूं लख लख सीस नवावां गरीबां नूं नवाजण वालियो, तैनूं लख लख सीस नवावां गरीबां नूं नवाजण वालिया, 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 बाबा जी गरीब निवाज पातशाह, बाबा जी